कक्षा सेवंथ SST अध्याय 3 राज्य शासन कैसे काम करता है। कक्षा सेवंथ का है। हमारे देश में शासन व्यवस्था 3 स्तरों पर है। पहला स्तर है स्थानीय स्तर पर, जिसमें ग्रामीण और शहरी दोनों आते हैं। दूसरा स्तर राज्य स्तर पर है, सरकार राज्य स्तर पर होती है। और तीसरा स्तर है राष्ट्रीय स्तर पर, यानी कि 3 स्तर पर हमारे देश में सरकारें होती है, शासन व्यवस्था होती है। आज हम राज्य शासन पर चर्चा करेंगे कि राज्य में किस प्रकार से शासन व्यवस्था चलती है। तो प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होती है। दूसरा बिंदु, पूरे राज्य को अलग अलग भागों में बांटा जाता है, जिसे निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। विधानसभा सदस्य को विधायक MLA कहते हैं, और MLA का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब सरकार कैसे बनाई जाती है उस पर चर्चा करते हैं अपन, कि सरकार कैसे बनती है। तो चुनाव में जिस दल के आधे से ज़्यादा विधायक जीतते हैं वह सत्ता पक्ष, बाकी विपक्ष कहलाता है। सत्ता पक्ष अपने नेता को चुनता है जो मुख्यमंत्री बनता है। मुख्यमंत्री बाकी मंत्रियों का चयन करता है, बाकी जितने भी मंत्री बनते हैं उनका चयन मुख्यमंत्री करता है, और राज्यपाल इन सब की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री बाकी नियुक्तियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, राज्यपाल द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, क्योंकि राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है, जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। केंद्र सरकार राज्यपाल की नियुक्ति करती है। कई बार सत्ताधारी दल अनेक पार्टियों से मिलकर बना होता है, जिसे गठबंधन सरकार कहते हैं। एक से ज़्यादा भी पार्टियां मिलकर बनाती है। विधानसभा ऐसा स्थान है जहां सत्ता और विपक्ष के सभी विधायक विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हैं। मुख्यमंत्री व मंत्रियों का समूह सरकार का एक भाग होता है, जिसे कार्यपालिका कहते हैं। कार्यपालिका के नाम से इसे जाना जाता है। सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं, ये सरकार का दूसरा भाग है, जिसे विधायिका कहते हैं। सरकार के दूसरे भाग को विधायिका कहते हैं। सरकार जनता के हित में काम करती है, जिसका अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष होता है, कभी कभी मध्यावधि कार्यकाल भी हो जाता है। तो इस